फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत। क्या है? कुछ तो है। अरे स्वागत है, आ जा जल्दी जल्दी, लेक्चर स्टार्ट कर। और देख अब सुन, सिंपल, इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या बात करेंगे। तो इस लेक्चर में कुछ बोले थे ना, क्या बात करेंगे, भूल गए सर। अरे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वाली, एकदम एग्जाम में आने वाली। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे, तो देखने में मजा भी आएगा, पढ़ने में मजा आएगा। फटाफट देखो और फटाफट अपनी तैयारी करो। एक बात बोले थे तुम लोगों को कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का देख लेगा, क्या देख लेगा, समरी। तो कुछ देखा? पता चलेगा अभी जब बनाएंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, मैट्रिक्स आ होता है ही मैट्रिक्स, तू लोग तो पढ़ लिया होगा, शायद हम नहीं पढ़े हैं, फिर से पढ़ लेंगे आज, साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, सब अपना अपना कॉपी लेके रेडी रखना हमको बताने के लिए कि सर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। सबका काम ये रहेगा क्योंकि हम ये चैप्टर पढ़े नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को पढ़ाना है हमको। अरे पेन का क्या भी ना, तो पढ़ते हैं, और कुछ तो कर सकते नहीं, पढ़ ही लेते हैं। चलो, तो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में क्या क्या है, तुम लोग क्या क्या समरी पढ़ा पहले बोलो। तुम लोगों ने क्या क्या पढ़ा पढ़ा होगा, मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सब तो पढ़ लिया, सब समरी पढ़ के आया, तब क्वेश्चन करेंगे आज। तो देखो ये सब फालतू फालतू बात करेंगे नहीं, क्योंकि सब तुम लोग पढ़ चुका है। हम लोग डायरेक्ट जाएंगे क्वेश्चन पे, और क्वेश्चंस पे जहां कॉन्सेप्ट भटका वहां पे लटका, फिर वहां पे झटका। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल क्वेश्चंस करेंगे, वहां पे देखना तुम लोग की कॉन्सेप्ट जो पढ़ के आया है वो क्लियर है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सबसे पहला कौन सा कॉन्सेप्ट करोगे। हाँ ये वाला करो, बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, हम लोग का दिया हुआ है a=sin α cos α -cos α sin α। अब बोलेगा सर इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। अरे जो कुछ भी पढ़ा सब काम करेंगे एक ही जगह, जितना भी खाया पिया सब एक जगह निकलेगा। ठीक है, देखो पहले बता बाबू इसका ऑर्डर कितना होगा, बता। इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम, इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम। तो दिख रहा है सर हम लोग को ये दो रो है सर, कॉलम भी दो है सर, तो ऑर्डर हो जाएगा 2x सर। तो हम लोगों ने क्या क्या इसमें रिवाइज कर लिया कि हॉरिजॉन्टल को रो बोलते हैं, वर्टिकल को कॉलम बोलते हैं, और ऑर्डर क्या लिखते हैं, रो और कॉलम लिखते हैं, पहले रो लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे। थोड़ा रिवाइज हुआ, बोलेगा सर हो गया, थोड़ा और पढ़ते हैं। अब बोलेंगे सर कि अगर ऑर्डर इसका ये है, रो और कॉलम भी ये है, अगर हम बोले सर इसका स्क्वायर कर दे, तो सर ए स्क्वायर क्या होगा सर, इसका ए स्क्वायर होगा सर, ए और ए, मतलब ए स्क्वायर कैसे आएगा, ए और ए मल्टीप्लाई करके। तो अब ए को लिखो दो बार, तुम लोग कहीं भाग मत जाना, हम यहां लिखते हैं तो हो सकता भाग जाएगा, बोलेगा सर लिख रहे हैं कोई बोल ही नहीं रहे हैं। भाग जाओ, भाग उठा उठा, कविता बंद करो, मोबाइल बंद करो, जब भागो। ठीक है सर, इसको करेंगे कैसे सर, डायरेक्ट नो कर दे, मैसेज पढ़ देते। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं ना जो भूल चुके हैं। तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करेगा, पहले डिसाइड करेंगे कि सर मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ बॉक्स कौन सा बनेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद बॉक्स कौन सा बनेगा। तो याद रखना, याद रखना, अगर एक कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m×n, बी कोई दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है
एल क्रॉस एम, सॉरी कुछ और मान लो, क्या मानेगा, एक्स आई मान ले, एक्स और वाई। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अगर ये दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और ये दोनों चाहता है कि एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो, तो मल्टीप्लाई होने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड वाला यानी कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स का पहला वाला यानी रो, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या बोले बाबू लोग, फिर से बोलो, जिस मैट्रिक्स को आगे लिखोगे उसका सेकेंड वाला, और जिस मैट्रिक्स को बाद में लिखोगे उसका फर्स्ट वाला। उल्टा उल्टा याद रखना, उल्टा उल्टा याद रखना, जिस मैट्रिक्स को आगे लिखोगे उसका सेकेंड वाला, क्या रे ऑर्डर, और जिस मैट्रिक्स को सेकेंड में रखोगे उसका कौन सा वाला, फर्स्ट वाला ऑर्डर का फर्स्ट वाला पार्ट। ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। मतलब सर यहाँ एन लिखे हैं तो यहाँ भी एन होगा, जी सर यहाँ एन है तो यहाँ भी क्या होगा, एन होगा। अब सर जब ए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा हमारा ए बी, हाँ ना सर, बनेगा सर। तो जब ए बी बन गया हम लोग का, क्या बन गया, ए बी। तो जब ए बी बन गया सर, तो इसका ऑर्डर कितना होगा सर, अरे जो वाला जो सेम था उसको क्यों लिखेंगे, उसको नहीं लिखेंगे, किसको लिखेंगे, जो बच गया, एम क्रॉस वाई। एक और कॉन्सेप्ट रिवाइज हुआ सर, हाँ सर हो गया, तो ऐसे ही पढ़ाएंगे हम, ठीक है, ध्यान रखना। तो सर अब हमको पता चल गया सर कि ये टू क्रॉस टू है सर, ये सेम चीज लिखा है सर, तो ये भी टू क्रॉस टू होगा सर। तो सर जब बीच का सेम है सर, तो ऑर्डर कौन सा बनेगा सर, बाहर वाला सर, मतलब इसका ऑर्डर भी टू क्रॉस टू बचेगा सर। टू क्रॉस टू सर मतलब इसके पास दो रो है और दो कॉलम है सर, जी हाँ इसके पास दो रो है और दो कॉलम है, यानी टोटल कितनी स्पेस है, चार स्पेस है, तो मतलब इसके पास जगह कितना खाली है बच्चा लोग, चार गो खाली है, कितना खाली है, चार गो। अब सर चार जगह भरना भी तो है सर, तो भरेंगे कैसे सर, भर कहाँ रहे हैं सर, पहले इसको लेके चलो, भर कहाँ रहे हैं सर, इसको क्या पढ़ेंगे सर, इसको पढ़ेंगे, ये कहाँ दिखता है सर, ये दिख रहा है हमको पहला वाला रो में, कहाँ दिख रहा है, पहला रो, और कहाँ दिख रहा है, पहला कॉलम, इसका नाम क्या हो गया बाबू, ए वन वन। एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सर कि यह नामकरण कैसे किया था, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ऐसे नहीं था कि उसको वन टू नहीं आता था, ऐसे थोड़ी था कि तुमने बोला होगा सर जब पढ़ रहा था, अरे 11, 12, 13, 14 लिख दिया, 21, 22 लिख दिया, सर 1, 2 कहाँ गया, 1, 2 थोड़ा ही किया लगता, नहीं पढ़ा था क्या 1, 2, अरे बाबू वैसा नहीं था, नाम क्या किया कि उसका लोकेशन देख रहा था कि वो किस रो में है और किस कॉलम में बैठा हुआ है, किस रो में और किस कॉलम में बैठा हुआ है, कहाँ पे बैठ के खा रहा है, क्या खा रहा है, किस एलिमेंट को पकड़ के रखा है, वो देखना पड़ता है हम लोग को, ठीक है। चलो तो ये जो लोकेशन है ये क्या है, 1, 1 है, 1, 1 यानी, 1, 1 यानी ए 1, 1 हम लिखते हैं, तो अब हम लोग इसी का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो है कहां पर बैठा, पहला रो पहला कॉलम में बैठा, कहां बैठा, पहला रो पहला कॉलम में बैठा, कहां बैठा, पहला रो पहला कॉलम में बैठा, तो पहला रो पहला कॉलम में बैठा है मतलब पहला रो और पहला कॉलम का इस्तेमाल करेगा, खटका मन में, पहला रो पहला कॉलम मतलब जो जैसे पढ़ रहे हैं वैसे इस्तेमाल होगा, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे इस्तेमाल करना है। अब बोलेगा सर हम तो डिसाइड तो कर लिए सर कि क्या चुनना है, अब करना क्या है इसमें सर, तो देखो जब हम छाट लिए हैं, क्या छाट लिए हैं कि पहला रो ये वाला रो और ये वाला कॉलम इस्तेमाल करना है, हम ये छाट लिए, अब छाट लिए, अब सर आगे क्या करेंगे सर, तो जो जो आगे है इसका आगे वाला और इसका आगे वाला मल्टीप्लाई होगा और इसका आगे वाला इसके आगे वाला मल्टीप्लाई होगा और ऐड कर देंगे, क्या बोले, ये आगे वाला के साथ मल्टीप्लाई, बगल वाला उसके नीचे वाला के साथ, अगर और आगे होता तो उसके नीचे वाला के साथ, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो सिंपल क्या करेंगे हम लोग, इस साइन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, अब ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, कोई दिक्कत, क्वेश्चन हम लोग सबने सबसे लिखा है, चलिए ठीक। अब देखो अब यहां पर आओ, अब हमको किस जगह लिखना है सर, ये कौन है सर, इसका नाम बताओ सर, सर ये आदमी जो बैठा हुआ है ना सर, ये पहला रो में बैठा हुआ है सर और सेकेंड कॉलम में बैठा हुआ है, पहला रो में सेकेंड कॉलम में, पहला रो में सेकेंड कॉलम में, पहला रो में सेकेंड कॉलम में,
तो पहला रो और सेकेंड कॉलम का इस्तेमाल करेंगे सर। तो साइन और कॉस, साइन और कॉस, साइन और कॉस, तो लिखेंगे इसको साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर प्लस, अब कौन होगा सर, ये और ये होगा सर, प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा। थोड़ा सा जगह नहीं हो रहा है इसके, इसको बढ़ा दे रहे हम, ठीक है। अब इस पे आते हैं सर, इसका पता बताइए सर, जल्दी बताइए इसका पता क्या है सर। अरे ये पता जो इसका क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, जहां लोकेशन वैसा इस्तेमाल करेगा वो, जहां जिसका लोकेशन उसका ही यूज करेगा। तो ये क्या होगा, माइनस कॉस और साइन हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। और प्लस में ये और ये इस्तेमाल हुआ, ये और ये, तो ये प्लस नहीं माइनस होगा, इसको इसको किए और इसको इसको, इतना समझ आ रहा ना। अरे हाँ ना, आना चाहिए एकदम, आना चाहिए, आना चाहिए एकदम, आना चाहिए, नहीं आएगा तो एकदम बहुत दिक्कत है। तब मिठाई उठाई खाओ, गोली वोली खाओ, कुछ खाओ। माइनस साइन अल्फा, अब ये कौन है सर, ये बैठा कहां पर है सर, वो देखो कहां पे बैठा है, बैठा कहां पर है, सेकेंड कॉलम में, सॉरी सेकेंड रो में, सॉरी सॉरी सेकेंड रो में और फर्स्ट कॉलम में बैठा हुआ है। तो सेकेंड रो, तुम लोग गधा है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में, सही बोल रहे हैं, फिर गधा है, सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम में गधा, सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस ये और ये, इसको इसको इंटू करना है और इसको और इसको इसको इंटू करना है, तो क्या होगा हम लोग का, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और यहां हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। तो यहां पे हम लोगों ने क्या सीखा, कुछ और कॉन्सेप्ट सीखा, सीखा सर मल्टीप्लाई करने के लिए क्या देखना पड़ता है सर, पहला का दूसरा, दूसरा का पहला बराबर होना चाहिए, और जो तीसरा बनेगा वो बाहर, दोनों जो बच गया वो वाला लिख देंगे, उसके बाद जगह बना देंगे, जगह बनाने के बाद देखेंगे बेचारा का घर कहाँ है, जो घर है उसी का घर का इस्तेमाल करेगा, पहला 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 रो पहला कॉलम में बैठा है तो पहला रो और पहला कॉलम का यूज करेगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम में बैठा है तो दूसरा रो दूसरा कॉलम का यूज करेगा, ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें और क्या क्या पढ़ना है, एक चीज पढ़ लो जिसको बोलते हैं ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। चलो गाना बहुत हो गया, जानते हैं बेसुरा है लेकिन क्या करें, ऐसे मन किया। ए डैश इक्वल टू क्या है, ए। बोलेगा सर ये डैश क्या है सर, अरे ये डैश को टी भी बोलते हैं, तो टी को किस क्या बोलते हैं, अरे बता रहे इतना बकाओ नहीं, पूरा बका जाता है एकदम पूरा। हम समझते हैं कोई भी मैट्रिक्स है, बच्चा लोग लिखो अपने अपने ए बी सी डी एफ जी एच आई, इसी में कोई बोलेगा सर एबीसीडी हम पढ़ लिए केजी वन केजी टू में, एलकेजी यूकेजी में पढ़ाया गया है, आप क्या पढ़ा रहे फिर से, पूरा जिंदगी एबीसीडी पढ़ना पड़ेगा तुमको, चिंता मत करो। अब बोलेंगे ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज को टी से भी दिखाते हैं और डैश से भी दिखाते हैं, ट्रांसपोज को टी से भी दिखाते हैं डैश से भी दिखाते हैं, ट्रांसपोज निकालने का सिंपल रूल है, रो और कॉलम इंटरचेंज होता है, रो और कॉलम इंटरचेंज होता है, मतलब रो बन जाएगा कॉलम, कॉलम बन जाएगा रो। अब बोलेगा सर अदला बदली कैसे करेंगे, अरे अदला बदली किसने करना, रो को कॉलम बनाते जाओ बन जाएगा अपने आप, इस रो को कॉलम में लिखिए, इस रो को कॉलम में लिखिए, इस रो को कॉलम में लिखिए, बन गया सर। बस सर इतना ही था, फालतू फालतू टॉपिक भी दिया हुआ है, क्वेश्चन बनता है इससे वो का फालतू टॉपिक, जो बोल दिए सब दिमाग में रखो, फालतू टॉपिक नहीं है, इससे भी क्वेश्चन बनता है 5 मार्क्स का, ठीक है। और मेंस में भी आ चुका है दो तीन टाइप, दो तीन बार क्वेश्चन इससे। तो ट्रांसपोज पढ़ लिए, एक और चीज पढ़ो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई कोई बोलेगा सर ये वाला कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिए हम सर, इसमें तो बहुत तेज है, बहुत तेज है, हम जान रहे हैं। जो तेज है वो तो तेज होगा ही, और जो थोड़ा एवरेज है, बिलो एवरेज है, सॉरी एवरेज बिलो एवरेज नहीं, जो पढ़ता नहीं है वो खोलता नहीं है, वैसा आदमी के लिए ठीक है, रिवाइज करा देते हैं। तुम लोग जानता है, तुम लोग तो तेज लड़का है, लोग चिंता मत करो, तुम लोग क्वेश्चन बनाओ सिर्फ ठीक है, तुम लोग वीडियो थोड़ा बढ़ा लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये लोग है उस लोग के लिए जो थोड़ा सा पढ़ाई में बुक खोलता नहीं है, लोग बोका नहीं होता है, बुक खोलता ही नहीं, खाली मोबाइल में चलाएगा, क्या क्या चलाएगा, टिकटॉक चलाएगा, इंस्टाग्राम चलाएगा, टिकटॉक तो बैन हो गया ना शायद, हाँ इंस्टाग्राम चलाएगा और क्या क्या है, रील्स चलाएगा, यूट्यूब में रील्स बनाएगा, तो यही सब बनाएगा, बनाओ रील बनाओ। हम जान रहे सर में बहुत पैसा है, तुम लोग देख लिया है ना, वैसा कोई बात नहीं है, फालतू है ठीक है, कोई फालतू नहीं होता लाइफ में, देखो ये सब भी कर सकते हो, बट अभी कुछ समय के लिए रुक जाओ क्योंकि बोर्ड्स नजदीक आ गया है, अभी पढ़ ले, बाद में जो करना वो करना ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अरे गधा याद रखो, दिमाग में बैठाओ, बोल बोलो मन में कि अगर ट्रांसपोज उसी के बराबर हो जाए, अगर ट्रांसपोज उसी के बराबर हो जाए, अगर ट्रांसपोज उसी के बराबर हो जाए तो वो कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक इसको बोलेंगे सर, अगर उसका ट्रांसपोज उसके मैट्रिक्स के नेगेटिव में हो, अगर उसका ट्रांसपोज उसी के मैट्रिक्स के नेगेटिव का हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक में क्या बोले सर, कि अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद अगर वो मैट्रिक्स फिर से वही आ जाता है तो सिंपल हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर उसका ट्रांसपोज करने से उस मैट्रिक्स का नेगेटिव पार्ट आता है तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोला सर दिमाग में नहीं घुसा सर, तो घुसा नहीं तो एग्जाम में एग्जाम्पल लेके घुसाओ, दिमाग में बैठाओ, दिमाग में अपने से एक मैट्रिक्स चुनेंगे। अब बोलेगा सर मैट्रिक्स कैसे चुने सर, अभी चुना देते हैं, जो अभी लिखे थे वही लिखो, साइन अल्फा लिखा था, कॉस अल्फा लिखा था, या माइनस कॉस अल्फा लिखा था, या साइन अल्फा लिखा था, हाँ सर अभी तो लिखे थे आप, लिखे था ना, इसका ट्रांसपोज कर, फटाफट ट्रांसपोज कर, रो का कॉलम बना, क्या इसके बराबर हुआ सर, अरे बराबर हुआ, सेम आया नहीं आया, जब सेम नहीं आएगा तो हम लोग बोलेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है ठीक है। सिंपल देख लो, ए ट्रांसपोज ए के बराबर नहीं दिख रहा है, प्लस माइनस का हेर फेर दिख रहा है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कौन सर, चलो उसका एग्जाम्पल लिखो, लिख लिए। अब इसका ट्रांसपोज बनाओ, रो का कॉलम भरो, इस रो की कॉलम भरो, इस रो की कॉलम, सेम है। बोलेगा सर हम लोग एग्जाम में अगर एग्जाम्पल लिखने बोल दिया तो कैसे पहचानेंगे सर, सबसे अच्छा बात है रखना सिमेट्रिक पहचानने का, ये जो डायगोनल में एलिमेंट्स होगा, ये जो डायगोनल्स में एलिमेंट्स होगा, ये कुछ भी हो हमको मतलब नहीं है, ये कुछ भी हमको मतलब नहीं है, बट यहाँ वाला और यहाँ वाला बराबर होना चाहिए, यहाँ वाला और यहाँ वाला बराबर होना चाहिए, यहाँ वाला और यहाँ वाला सेम होना चाहिए, और यहाँ वाला क्या हो जाए, सेम होना चाहिए। पास में आया, इस डायगोनल में कुछ भी हमको मतलब नहीं है,
यहाँ पर जो है अगर वो भी यहाँ पर है, यहाँ पर जो है अगर वो भी यहाँ पर है, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर है, एकदम देख के बता देना कि ये सिमेट्री मैट्रिक्स होगा, ये रो ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं है। अब बोलेगा सर सिम किस क्यू में ही बता दीजिए, तो इस क्यू में ही बता देते हैं। इस क्यू में क्या बोले कि मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज करेंगे वो माइनस ए के बराबर होगा। बोलेगा सर इसका एक बेहतर एग्जाम्पल, इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल याद रखेगा। तो याद रखना है इस क्यू में एक बात याद रखना है, इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है, क्या होता है डायगोनल एलिमेंट्स, सर ये क्या होता है, जो जो पढ़ जा चुका होगा वो लोग के लिए बहुत बढ़िया लड़का है। अच्छा नहीं पढ़ के आया वो लोग देखो बता सब, डायगोनल एलिमेंट्स ये जो मैट्रिक्स है यहां पर जो रखी रहती है उसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब जिसका एलिमेंट A11 A22 A33 ये वाली लोकेशंस होती है, जो A11 A22 A33 जो लोकेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, इसका सारा जीरो होता है, क्या होता है जीरो, क्या होता है बोलो, बोल रहे हैं सर क्या, ये क्या होता है सब जीरो। अब यहाँ माइनस है, ए में क्या लिखा है थे? ये और ये सेम होगा, ये और ये सेम होगा, ये और ये सेम होगा, पता था ना, ये बीच वाला मतलब नहीं हम लोग बोल रहे थे, उसमें ऐसा ही है, यहां यहां और यहां सेम, यहां और यहां सेम, यहां और यहां सेम। कंडीशन क्या है, अगर यहाँ ए लिखेगा यहाँ माइनस ए लिख देना, यहाँ बी लिखेगा यहाँ माइनस बी लिख देना, यहाँ सी लिखेगा यहाँ माइनस सी लिख देना, मतलब अंदर समझा, यहाँ और यहाँ एलिमेंट सेम होगा, यहाँ और यहाँ एलिमेंट सेम होगा, यहाँ और एलिमेंट सेम होगा, बट साइन का डिफरेंस होगा, नंबर सेम होगा ठीक है, वैल्यू सेम होगा, बट क्या सेम नहीं होगा, साइन सेम नहीं होगा। यहाँ ए लिखोगे यहाँ माइनस ए, यहाँ बी लिखोगे यहाँ माइनस बी, यहाँ सी लिखोगे यहाँ माइनस सी। तो फटाक से एग्जाम्पल बोल दीजिए सर एक, अभी सीखा है, लिख ले फटाक से, यहाँ जीरो बैठा है, यहाँ जीरो बैठा है, यहाँ जीरो बैठा है, यहाँ टू बैठाएगा यहाँ माइनस टू, यहाँ थ्री बैठाएगा यहाँ माइनस थ्री, यहाँ फोर बैठाएगा यहाँ माइनस फोर, बस और कुछ नहीं करना। तैयार हो गया तुम्हारा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लो एक दो इस सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक में, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट कुछ कुछ लॉन्ग लॉन्ग जो क्वेश्चन है 5-5 मार्क्स में जो आती है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नहीं तो जब वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो तुम लोग देखने में मजा नहीं आएगा, थोड़ा चाय पी पानी भी पीना होगा ना, तो इसे थोड़ा थोड़ा देख लो, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर देखना चाय पानी पीने के बाद, ठीक है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन ले लो एकदम बढ़िया वाला, बढ़िया वाला क्वेश्चन, क्या देखा 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 क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, हाँ बोल रहा है बताइए कि ए प्लस ए डैश ये एक सिमेट्रिक है, और ए माइनस ए डैश ये इस क्यू सिमेट्रिक है, अब सर इसको बनाएंगे कैसे सर, कुछ नहीं करना, जो पूछता है ना जो भी पूछेगा प्रूफ कीजिए सर, तो पी मान लेना उसका डैश निकाल देना, तो पी डैश क्या होगा ए प्लस ए डैश का डैश। सर एक और प्रॉपर्टी सर, चुटका में नोट कर लेना, पहला ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिलेगा, दूसरा प्रॉपर्टी ट्रांसपोज अगर एडिशन में है होल पे तो ट्रांसपोज दोनों के पास चला जाएगा, अगर प्रोडक्ट में है ट्रांसपोज तो ट्रांसपोज दोनों के पास जाएगा बट आगे पीछे लिखेंगे, ठीक है। तो ये ट्रांसपोज एडिशन में है दोनों के पास जाएगा, अब ए डैश और ये डैश पे डैश यानी ए देखो जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, ए प्लस ए डैश को बोलेगा सर सेम नहीं लग रहा है, सेम लग रहा है सर सेम लग रहा है, बोलो देख लो गधा आगे पीछे नहीं चलते हैं, तो ये पी डैश से हम लोग पी पहुंच गए, तो ए डैश से ए का है उसी को ना बोलते हैं सिमेट्रिक, तो पी डैश से पी गए तो नहीं बोलेंगे सिमेट्रिक, हो गया सिमेट्रिक, इस पे काम करते हैं, इसको क्यों मान लो, अरे मानेगा मान लो जाओ।
यहाँ नहीं बनाएंगे यार भाई, यहाँ बनाएंगे क्या करेंगे, आरडेस क्या निकालेंगे, आरडेस आरडेस यानी पूरा पेडेस, पूरा पेडेस यानी दोनों पेडेस, प्लस है माइनस, या प्लस माइनस बता दे, प्लस माइनस दोनों होगा ठीक है, प्लस में भी माइनस में भी होता है, ए डैश माइनस ए डैश पे डैश खत्म। हाँ कहीं कहीं डैश की जगह टी लिखता है, पहले बोल चुके हम लोग ठीक है, टी भी लिखेगा तो भी सही है। अब इसमें माइनस कॉमन ले लो, अब देख प्लस से दिख रहा है सर, माइनस आ गया, तो आर डैश से चले आर तक पहुंच गए, बाइक लेके चले गाड़ी पे पहुंच गए ठीक है, तो आर डैश से कहां पे पहुंचे, माइनस आर तक, तो आर डैश से कहां तक पहुंचे, माइनस आर तक, इसी को ना स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन से एक दो को तुम लोग घर पे प्रैक्टिस करना, एक दो लिखा रहे, एक दो बोल दे रहे। इसको थोड़ा ट्राई करना करके, क्वेश्चन है इसको ट्राई करना, नेक्स्ट डे बताएंगे इसको कि ए और बी ये दोनों जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है तुम लोग को बताना है, तुम लोग के लिए क्वेश्चन क्वेरी है क्या है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा, बताना है सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये तुम लोग के लिए क्वेश्चन है, इसको करते हैं नेक्स्ट डे, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे ठीक है। तो नेक्स्ट डे किसको करेंगे, इसको, और क्या डिस्कस करेंगे, इसके थोड़े अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चंस करेंगे, कौन कौन से अच्छे वाले और बड़े बड़े वाले क्वेश्चंस करेंगे ठीक है। तो आज के लेक्चर इतना ही था, नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे फिर से किसमें, मैट्रिक्स के क्वेश्चंस के लिए, डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस के लिए ठीक है। तो आज हम लोग इस पे रहेंगे, नेक्स्ट डे हम लोग कुछ और बात करेंगे, कुछ और बात करेंगे, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट डे, गुड नाइट।